अस्सलाम वालेकुम। मॉम लाइफ इन मक्का के साथ एक बहुत यम्मी क्विक रेसिपी आप लोगों के लिए हाजिर खिदमत है। मटन का शेरवा बहुत यम्मी है, क्विक रेसिपी है। इससे पहले कि आप रेसिपी पे हम जाएं, आप जाइए और मॉम लाइफ इन मक्का पे सब्सक्राइब का बटन क्लिक करिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपनी क्विक और ईजी रेसिपी पर। लेट्स स्टार्ट। अब हम यहाँ पे एक पैन लेंगे और पैन में हमने यहाँ पर 3 टेबल स्पून ऑफ ऑयल लिया है, बहुत कम ऑयल जाएगा यहाँ पर। यू गेट ओनली 3 टेबल स्पून ऑफ ऑयल। नाउ उसके बाद 2 मीडियम साइज थिन चॉप्ड अनियन, यहाँ पे हमने बिल्कुल बारीक काट के चॉप्ड अनियंस ली हैं और मोटी नहीं काटनी है, बिल्कुल बारीक काटनी है। ये मैं आपको शो भी कर रही हूँ, यहाँ पर बिल्कुल थिन और बारीक कटी हुई है ये सारी प्याज इक्वली। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पर इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है जब तक कि ये हल्की सी पिंकिश ब्राउन हो जाए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमारे पास जाएगा 1 टेबल स्पून ऑफ गार्लिक पेस्ट, यानी कि 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगा यहाँ पर। 1/2 kg मटन जाएगा यहाँ पर, बोन वाला मटन लिया है मैंने, बकरे का गोश्त। 1/2 kg जाएगा बोन वाला, हड्डी वाला। अब यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून लिए है हल्दी का पाउडर, ऐड करना है इसके अंदर। और फिर 1/2 टीस्पून, जब आपने हल्दी का पाउडर ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे हम डालेंगे 3 कार्डेबम्स, यानी 3 इलायची जाएंगी, छोटी वाली इलायची जो होती है, हरी इलायची, वो जाएगी। उसके बाद हम ऐड करेंगे यहाँ पर 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, काले मिर्च, साबित काले मिर्च जाएगी 1/2 टीस्पून। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, साथ साथ भूनते भी रहना है आपने, कम से कम 15 से 20 मिनट भूनना पड़ेगा आपको। 1/2 टीस्पून यहाँ पे रेड चिली पाउडर जाएगा, बहुत कम मकदार में रेड चिली पाउडर जाएगा, लेकिन जायका आफत होगा इसका। अब नाउ इसको अच्छे तरीके से हमने भूनना है, भुनाई करनी है, और जब हम अच्छे तरीके से इसको भून लेंगे, गोश्त को, सारे मसाले को और प्याज को, उसके बाद हम जो है इसके अंदर 2 से 3 कप पानी डालेंगे और इसको हम ढक्कन को ढककर सिमर पे रखेंगे, यानी बिल्कुल ही लाइट आंच पे 1.5 से 2 घंटे पर के लिए आपने इसको रख देना है। अच्छा, जब आपका पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो आपने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। भुनाई से पहले आपने हरा धनिया डालना है गार्निशिंग के लिए और गरम मसाला लेना है 1/2 टीस्पून, और डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से भुना है और ये वाला आपका यमी सा मटन का शेरवा तैयार है। बहुत इजी और क्विक रेसिपी है, तो पराठे के साथ, चपाती के साथ, आप चावल के साथ भी इसको, राइस के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। प्लीज़ ट्राई कीजिएगा और सब्सक्राइब करना और शेयर करना प्लीज़ मत भूलिएगा। मॉम इन लाइफ मक्का को खुदा।